दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बनने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग करते हुए 2004 से लेकर 2020 तक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से कहा गया कि इस मामले में मुद्दे तय किए गए हैं कि क्या हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाली अनुसूचित जाति को बाहर रखा जा सकता है, क्या ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले आरक्षण में शामिल नहीं करना भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि जनवरी में संविधान पीठ और अन्य मामले भी सुनवाई के लिए हैं। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि कोर्ट इस सुनवाई से पहले जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट का भी इंतजार करे, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। मामले पर केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि धर्मांतरण कर ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए एक नया आयोग नियुक्त करेगा। सोलल ने कहा कि सरकार ने कई कारणों से रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। हमने नए आयोग के संदर्भ की शर्तों के साथ नया हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नए आयोग विचार करेगा कि क्या धर्म परिवर्तन के जरिए ईसाई और मुसलमान बने लोगों को अनुसूचित शामिल किया जा सकता है। जबकि वकील भूषण ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण प्रावधान है। प्रारंभिक नियम में कहा गया था कि केवल हिंदू ही अनुसूचित जाति हैं। फिर 1960 के दशक में सिखों को शामिल करने के लिए प्रावधान में संशोधन किया गया। बौद्धों को शामिल करने के लिए 1990 के दशक में फिर से संशोधन। उन्होंने कहा कि रंगनाथ मिश्र आयोग ने भी स्वीकार किया कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है। हमने रंगनाथ मिश्र आयोग के सामने सबूत दिया है कि धर्मांतरण के बाद भी दलित सामाजिक अक्षमताओं और भेदभाव से पीड़ित हैं। अब सरकार याचिका दाखिल होने के 18 साल बाद हलफनामा दाखिल कर रही है। जस्टिस कॉल ने कहा कि पहला मुद्दा ये है कि क्या हमें आयोग की नई रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए या रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।